अस्सलाम वालेकुम। बिना गैस जलाए 10 मिनट के अंदर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं मिक्सर के जार में डालूँगी 50 ग्राम काजू। इसका हमें अच्छा सा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए पीस के तैयार कर ली हूँ। और इसमें डालूँगी मैं 1 कप कोकोनट पाउडर, ग्राम से ये 100 ग्राम है। और इसके साथ ही डालूँगी इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से पीस ली हूँ, बिल्कुल पाउडर हो गया ये। इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ निकाल ली हूँ। और मिक्सर के जार में डालूँगी मैं 1/2 कप चीनी। और इसका भी हमें पाउडर बना लेना है बढ़िया तरीके से। तो अच्छे से पीस ली हूँ, इसे भी डाल दूँगी मिक्सचर में। और इसके साथ ही डाल ली हूँ इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर। सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप दूध। इसमें से थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालना है हमें, ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो गीला हो सकता है हमारा मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ इसमें, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाली हूँ। ज़्यादा दूध नहीं डालना है और अच्छे से हाथों से मिला रही हूँ। और देखिए बढ़िया सा डो बन के तैयार है। इसी तरह का हमें बना के तैयार करना है। ये रेडी है, अब मैं इसे साइड में रखूँगी। और ये देख सकते हैं 1/4 कप दूध में से ये आधा बच गया है, तो इसे साइड में रख दूँगी। और जो हमारा डो रेडी हुआ है इसको हम 3 पार्ट में काट लेंगे। तो इस तरह से काट ली हूँ, 3 हिस्सा कर लेना है। तीनों में मैं डालूँगी अलग अलग 3 कलर के फूड कलर। तो सबसे पहले मैं डाली यहाँ पे ग्रीन फूड कलर। तो कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। तो 1-1 पिंच डाली हूँ मैं, ग्रीन, रेड और येलो कलर ले ली हूँ मैं। तो आप अपने पसंद के हिसाब से कलर ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। तो इतने में ये देखिए अच्छे से मिलाएंगे तो इस तरह का कलर आ जाता है। बहुत ज़्यादा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरह से मिला ली हूँ, देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है सब में। अब मैं इन सबको काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरह से मैं काट लेना है, देखिए। तो सारे काट के तैयार कर ली हूँ। इनके हमें बनाने हैं छोटे छोटे बॉल्स। तो ये देखिए इसी तरह मैं सारे कलर के बॉल बना लूँगी। ये तैयार हैं। आप चाहें तो इस मिठाई को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम देंगे इसे बढ़िया सा लुक। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये पीला वाला एक बॉल ले ली हूँ, इस तरह से फ्लैट कर दी इसको। और इसमें अंदर भर दूँगी लाल वाला और ऊपर से इसे अच्छे से पैक कर दूँगी। इस तरह से हमें बढ़िया सा बॉल बना के तैयार कर देना है। देखिए कितना बढ़िया से पैक हो गया ये। इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। और देखिए तैयार है। और अब मैं लूँगी ग्रीन वाला पार्ट और इसे भी फ्लैट करूँगी। इस तरह से अच्छे से दबा देना है हाथों से। तो बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है हाथों में, तो इस तरह से आराम से हो जाता है। अब मैं ये पीला वाला अंदर रख दूँगी और उसके ऊपर से हम ग्रीन वाले को कवर करेंगे। तो बहुत आराम से हो जाता है ये इस तरह से। तो इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे सारे तैयार हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमें काट लेना है और बस हाथों से हल्का सा फैला देंगे इसे। इस तरह से फैला देंगे, ये देखिए तैयार है। दिख रहा है ना बहुत ही मज़ेदार सा, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है ये। और मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार हुआ है ये, देखिए। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।